السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فإن حزب الله هم الغالبون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عزيز القدر طلبا، واجب الاحترام بزرگو، بھائیو، دوستو، مجھ سے پہلے آپ نے نہایت ہی پرمغز پر تاثیر بیانات سماعت فرمائے. میری طبیعت علیل ہے، صرف اپنے بھائی کی محبت میں میں یہاں پہنچا ہوں. دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے حق حق اور سچ سچ بیان کرنے کی توفیق دے، آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، ہم سب کو اس مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب سے تقریب کی تاریخ کا اعلان ہوا، تب سے عناوین اور موضوعات بھی تبدیل ہوتے رہ گئے. تو اب آخری جو عنوان میرے ذمہ لگایا گیا وہ علم اور علماء ہیں. علم کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد علم نبوت ہوتا ہے، علم الہی ہوتا ہے. اور جو علم الہی ہے وہی حقیقی علم ہے، اور وہی صحیح علم ہے. صحیح علم ہوتا ہی وہ ہے جو مبنی بر وحی ہو، باقی دنیا میں جو فنون ہیں، فنون پڑھائے جاتے ہیں، وہ بھی من جانب اللہ ہی ہیں، مگر علم نبوت یہ علم شریعت ہے. اسی کی فضیلت آئی ہے اور اسی علم والوں کو علماء کہتے ہیں، اور علماء کی فضیلت آئی ہے. علماء کی فضیلت تو بہت بلند ہے،
उस मर्तबा को उस फजीलत को पाना तो हमारे लिए नहायत मुश्किल है। अगर अल्लाह ताला हमें जुमरा उलमा में उठा ले तो उसकी बड़ी इनायत होगी। इल्म जो है इल्म नबुव्वत, जी 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 ठीक है अच्छा माशाल्लाह। इल्म जो है इल्म ये इंसानों की बुनियादी और असासी जरूरत है। इस बिन इंसान जी नहीं सकता। ये वो एजाज है जो इंसान को बुलंदियों पर ले जाता है और दीगर इंसानों पर इंसानों को फायक और बरतर बना देता है। वो जो आयत करीमा है कुरान करीम में के अगर कोई सुधारा हुआ कुत्ता शिकार खेलने के लिए छोड़ा जाए, जो वो शिकार खेलता है वो शिकार हलाल है। और ऐसा कुत्ता जो सुधारा हुआ ना हो वो अगर शिकार खेलता है तो उस का जो खेला हुआ शिकार है वो हलाल नहीं है। यानी ऐसा कुत्ता जो सुधारा हुआ था उस पर अल्लाह का नाम पढ़ा गया, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहकर उसे छोड़ा गया, जो शिकार खेलेगा वो हलाल है। और ऐसा कुत्ता जो सुधारा हुआ नहीं, जिसको सिखाया गया नहीं, वो अगर शिकार खेलता है तो वो शिकार हलाल नहीं है। ऐसा क्यों है? अल्लामा अबू अब्दुल्ला अल-कुर्तुबी रहमहुल्लाह ताला जो 671 हिजरी में वफात पाते हैं और अपनी तफसीर है तफसीर कुर्तुबी अहकामुल कुरान के नाम से मौसूम है। फी हाज़िल आया दलील अला अन्न अल आलिम, यकून लहू फजीला मा लैसा लिल जाहिल। ये आयत कीमा दलील है कि जो आलिम होता है उसकी जो फजीलत है उसका जो मर्तबा है वो जाहिल इंसान का नहीं हो सकता। लान अल कल्बा इज़ा उलिमा यकून लहू फजीला अला सायर अल किलाब। जरा आप तवज्जो फरमाएं कि ऐसा कुत्ता जिसको सुधारा गया फिर शिकार के लिए छोड़ा गया, वो शिकार खेले तो हलाल है और दूसरा शिकार खेले तो हराम है, इसको दूसरे कुत्तों पर एक मर्तबा और फजीलत कैसे हासिल हो गई? एक कुत्ते को सिखाया जाए तो दीगर कुत्तों पर जानवरों पर वो फजीलत पाता है, वो इंसान जो इल्म नबुव्वत से बहरामंद हो वो क्यों ना दूसरे इंसानों पर फजीलत और मर्तबा में फायक होगा। फल इंसान इज़ा कान लहू इल्म औला अन यकून लहू फज़ल अला सायर अन्नास। इंसान जिसके पास इल्म नबुव्वत है, वही का इल्म है, कुरान और हदीस का इल्म है, वह आलिम दीन है, उसकी तमाम इंसानों पर फजीलत है, उसका मर्तबा है। वला सियमा इज़ा अमिला बिमा अलिमा, खुसूसन उस वक्त जब वो अपने इल्म के मुताबिक अमल भी करता है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, उलमा के मर्तबे पाना तो बहुत दूर की बात है, उनके मर्तबे को समझना भी हमारे बस में नहीं है। इल्म नबुव्वत एक ऐसा जेवर है
जो इंसान को मुजय्यन कर देता है, खूबसूरत बना देता है, इंसान को खूबियों वाला बना देता है। कई खूबी और महासिर इंसान का मुकद्दर ठहरती है। इल्म जो है, इल्म जो सही इल्म है वो इल्म नबूवत है, जो अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इल्म अपने उम्मत के अफराद को सिखाया और अफराद उम्मत ने उस इल्म को हाथों हाथ ले लिया। मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम कोशिश करें, उसूल इल्म में हम कोशा रहे, ताकि हम भी कई एक फजीलतों को पाने वाले बन जाएं। कि इल्म जो है, इल्म नबुव्वत, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे इल्म की सना और तारीफ की है। कुरान करीम में अल्लाह ने इस इल्म की तारीफ की है। और जिस चीज की अल्लाह ताला तारीफ और सना कर दे वो इबादत बन जाती है। तो लिहाजा हुसूल इल्म इबादत है, इस इबादत में लग जाना चाहिए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अल्लाह ताला ने इंसान को बेपनाह सलाहियतों से नवाजा होता है, मगर उसको खबर नहीं होती कि उसमें क्या क्या सलाहियतें छुपी हुई हैं। बेखबरी में जिंदगी जाया करके अपनी सलाहियतों को गुम कर देता है। और कितनी दफा ऐसा भी हो जाता है कि तालिब इल्म उसकी सही माना में रहनुमाई ही नहीं होती, उसमें में एहसास ही बेदार नहीं किया जाता कि आप कितने कीमती हैं, आप किस कदर लायक और फायक हैं। और कभी कभी उसकी रहनुमाई तो होती है मगर हौसला अफजाई नहीं होती। कितने ऐसे तलबा हैं जिनको मैं जानता हूं, वो अपनी सलाहियतों को इस बिना पे जाया कर देते हैं कि उनकी हौसला अफजाई नहीं होती और बसा औकात वो हालात की भीड़ चढ़ जाते हैं, इल्म का रास्ता ही छोड़ देते हैं या इल्म में रसूख ही नहीं हासिल कर पाते, नहीं कर पाते। उमूमन होता है, देखने में आता है कि हमारे बाद भाई पहले या दूसरी क्लास में गए, तीसरी में गए, मदरसे की जिंदगी को खैर बात कह देते हैं, उनको चंद अल्फाज कहने आ जाते हैं, तकरीर कर लेते हैं, सुर और लय के साथ बात करने की उनके अंदर एक सलाहियत आ जाती है, एक ढंग और सलीका आ जाता है। वो समझते हैं शायद इल्म के हासिल करने का यही मकसद है, वो मकसद तो मैंने पा लिया। यूं वो खैर से महरूम हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, ये जो अहले इल्म ने निसाब मुकर्रर किया है, ये निसाब मुकम्मल करना, इसकी तकमील करना इंतहाई जरूरी है। और इसका हरगिज ये माना नहीं कि आपने ये निसाब पढ़ लिया, मुकम्मल कर लिया, अब मजीद पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने पूरी जिंदगी तालिब इल्म बन के रहना है। कोई ऐसा दिन ना हो जिस दिन आपने कोई मुताला ना किया हो, एक दिन भी ऐसा आपकी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिफाजत और पासवानी में आप रहेंगे और दीन का बड़ा काम कर सकेंगे। जिसको अल्लाह ताला इल्म नबुव्वत अता फरमा दे वो दुनिया का खुश नसीब इंसान है, दुनिया का खुश नसीब इंसान है, उस जैसा नसीब किसी का नहीं है। मुसलमानों, आप खुद अंदाजा लगा लें, एक तरफ माल का ढेर हो और दूसरी तरफ इल्म का ढेर हो, बताओ बेहतर क्या है, फजीलत किसकी है, इल्म की या माल की?
फजीलत तो इल्म की है, और इल्म की जो फजीलत है वो मोहम्मद रसूलल्लाह की जुबान पर अल्लाह ने जारी फरमा दी, और कुरान करीम में भी इल्म की फजीलत मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ये इंसान के लिए बड़े एजाज की बात है अल्लाह उसको ईमान वाला कहता पुकारे कि मेरे वो बंदे बंदो जो ईमान लाए हो। बड़ी इज्जत की बात है कि अल्लाह अपने बंदों की तकरीम करता है इस वजह से कि वो अल्लाह पर ईमान लाए हैं। इन तब तक अल्लाह यजअल लक फुरकाना, अगर तुम अल्लाह से डर जाए तकवा इख्तियार करे, अल्लाह आपको हक और बातिल में फर्क करने वाला आलिम बना देगा, सही और गलत, जायज और नाजायज, हलाल और हराम का फर्क करने वाले आप बन जाएंगे। ये कितनी बड़ी अल्लाह की इनायत है कि अल्लाह ताला आपको चरा सदर दे, इल्म नबुव्वत से आप बेरामंद हो, आप बताएं ये सही है ये गलत है, ये हक है ये बातिल है, ये हलाल है ये हराम है, ये जायज है नाजायज है, ये सलाहियत अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अता फरमा दे, इस जैसी कोई फजीलत नहीं है। वत्तकुल्लाह व युअल्लिमकुमुल्लाह, तुम अल्लाह से डर जाओ अल्लाह तुम्हें इल्म देंगे, ये तकवे की बुनियाद पर है सारा सिलसिला, तकवे की बुनियाद पर है। इल्म जो है इल्म ये तो वो चीज है जिसे अल्लाह ताला ने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुजय्यन फरमाया था, जिसको अल्लाह ताला इल्म नबुव्वत देता है वो यकीन कर ले अल्लाह ताला ने उसे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से नवाज दिया, वो आम इंसानों से मुमताज हो गया। हम तो इस हादसे कमतरी के शिकार हैं, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं है कि आप कितने कीमती हैं और आप कितने अहम हैं। हम तो दुनिया की ये चीजें और इस सिलसिलों को देखकर हमारा दिल ललचा जाता है, फिर हम आलिम कैसे हैं? अगर किसी की गाड़ी, किसी का कोठी बंगला और किसी का कारोबार और जिंदगी का सिलसिला हमें मुतासिर कर दे तो हम आलिम कहेंगे? ये आलिम की खसलत तो नहीं है। तो इल्मे नबुव्वत जो है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की अपने बंदों पर इनायत है, और रब ताला ने जो अपने बंदों पर इनायत की है इसकी हुसूल की कोशिश करें। हमारे बच्चे बेपनाह लायक ज़ईन और फतीन होते हैं, मगर वो अपने आप को जाया कर देते हैं। असाज़ा को चाहिए कि उनकी सही सही रहनुमाई करें। मेरा बेटा आपने वहां पहुंचना है, आपकी वो मंजिल है। एक तो हम पढ़ते ही नहीं, दूसरा ये है कि जिंदगी का नहायत ही मुख्तसर अरसा इलम के लिए हम छोड़ते हैं, वक्फ करते हैं। चाहिए तो ये थे कि अपनी जिंदगी हम हुसूल इलम में सरफ कर दे। मुझे एक साथी ने बैर मुल्क से फोन किया कि आप चंद सेकंडों में कोई प्यारी सी बात कर दे इलम हदीस के हवाले से। मैंने कहा शायद मैं ये बात करने से कासिर रह जाऊं, लेकिन इतनी सी बात कह सकता हूं कि जो इल्मे हदीस हासिल करना चाहता है, जिसने हासिल किया उसे चाहिए कि 20 साल इस इल्म के लिए वक्फ कर दे। 20 साल के बाद कुछ कहने का वो मजाज होता है, उससे पहले कहने का कुछ मजाज नहीं होता। तो मेरे भाइयों ये दौर फितरों का दौर है, फितरों से कैसे बचा जा सकता है? एक ही रास्ता है कि उलमा पैदा किए जाएं, इलम वाले जो हैं वो इंसानों को फितर से बचा सकते हैं, और कोई भी नहीं बचा सकता। हम ख्याल करते हैं कि शायद हमें कोई फितना पहुंचा ही नहीं है, किसी फितरे ने हमें नुकसान ही नहीं पहुंचाया, जबकि फितरों ने हमें कुचल दिया होता है। तो इलम वाले आपको फितरों से बचा सकते हैं। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला का कौल है अद-तबकात कुबरा के अंदर इब्ने साद के,
इन हाजिल फितना इजा अकबलत अला अलिमहा कुल्लु आलिम व इजा अकबरत अलिमहा कुल्लु जाहिल। ये जो फितना है, फितना ये जब आता है, आलिम इसको दूर से पहचान लेता है कि वो फितना आ रहा, मुझे कुछ लेगा, नुकसान पहुंचाएगा। अल्लाह ने उसको बसीरत दी होती है, बसारत दी होती है, वो अल्लाह की दी हुई बसारत और बसीरत के साथ देखता है। ये आलिम की खूबी होती है। कुल हाजी सबील अदू इल्लल्लाह अला बसीरत अना व मन तबानी। मूसा अलैहि सलाम ने कहा मैं और मेरे मुतबीन, मेरे पैरोकार, मेरे मानने वाले, ये बसीरत पर है। बसीरत का माना क्या है कि वो वही पर है। यहां बसीरत का माना वही है। आलिम के बाद बसीरत होती है और जाहिल उसको फितना कुचल कर हला करके वो दूर चला जाता है, इशारे करता है कि वो फितना जा रहा है जिसने मुझको हला कर दिया है। ये आलिम और जाहिल का फर्क है। एक आलिम की जिम्मेदारी है कि अल्लाह की जमीन पर वो खैर लाए। ये उस वक्त मुमकिन है, बजाय तौर पर हमारे पास इल्म होगा, अला वजहिल बसीर, हम दीन को अपनाने वाले और दीन को अख्तियार करने वाले बनेंगे और दीन की दावत अला वजहिल बसीरत देने वाले बनेंगे, वरना अपना नुकसान करेंगे, लोगों का नुकसान कर देंगे। वो खैर जो अल्लाह ताला इल्म वालों के जरिए से माहौल और माशरे को अता करते हैं, वो खैर हमारे जरिए से नहीं पहुंचेगी। बुखारी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ग्रामी है, मैं युरिदुल्लाह बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह ताला जब किसी बंदे के साथ खैर का इरादा फरमाते हैं, उसको दीन में तफक्कु अता फरमाते हैं। जिसके पास तफक्कु फिद्दीन है, दीन की बसीरत मौजूद है, दीन का इल्म और फहम है उसके पास, उसके पास खैर कसीर मौजूद है। खैरन ये नकरा है और शर्त के सियाक में आया है तो मानना उमूम का पैदा हो गया। नकरा जो होता है ये तकसीर और ताज़ीम के लिए भी आता है। बहुत ज्यादा खैर, ढेरों खैर, या हर खैर जिसका नाम खैर है, अल्लाह ताला जिसको अता करना चाहे उसको दीन में तफक्कु दे देते हैं। तो उलमा माहौल माशरे की जरूरत है, क्योंकि इनके पास खैर मौजूद है, इनके पास बसीरत मौजूद है, इनके पास फितरों के हवाले, फितरों को जानने का इनके पास सलीका मौजूद है। ये इंसानों की जरूरत है, इंसानियत की बका की जमानत इनके साथ मुज़म्मर है। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला का कौल है, किताबुल आज़ान तिर्मिज़ी के अंदर, सुनन तिर्मिज़ी के अंदर, ला यबे फी सुकना इल्ला मन कद तफक्कह फिद्दीन। आप फरमाया करते थे कि हमारी इन मार्केटों में और हमारे बाजारों में, इन तजारती सेंटरों में वही शख्स लेन देन करे, वही तजारत करे, वही खरीदो फरोख्त करे जो दीन में तफक्कु रखता है। जिसको दीन में सूझबूझ नहीं है, उसके पास हलाल और हराम की, जायज और नाजायज की तमीज ही नहीं है। जब जायज और नाजायज और हलाल और हराम की तमीज नहीं है, ऐसा ताजिर अपना भारी नुकसान करेगा और माशरे का भारी नुकसान करेगा। अब देखते हैं हमारे यहां जो तिजारत की नाजायज सूरतें रिवाज पा गई हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हर वक्त इस कोशिश में लगे हैं कि किसी न किसी तरीके से तिजारत की नाजायज सूरतों को राइज किया जाए। सूद, जुआ, हराम खोरी, धोखा दही और बहुत सारी खराबी और कबाहतें जो तिजारत के हवाले से हमारे बाजारों में, हमारी मार्केटों में मौजूद है, इनकी जिम्मेदारी किस पर है? इनकी जिम्मेदारी जाहिलों पर है, जिनको दीन में सूझबूझ नहीं, जो दीन के हजे भी नहीं जानते,
इलम वालों को चाहिए कि माहौल माशरे की इस्लाह की कोशिश करे, इस्लाह की कोशिश करे, और लोगों को चाहिए कि उलमा के पास आए, उनसे फैज पाए, उनसे इलम हासिल करें, उनसे दीनी रहनुमाई ले। कर सब आगे तशरीफ लाएं, आगे आ जाएंगे मेरे पास आप आ जाए। अच्छा जी, आप बताइए मेरे बेटा, मैं आखिरी बात मैंने क्या की? जी जी जी, माशाल्लाह, हय्याकुमुल्लाह व बय्यकुम। उलमा से फैज हासिल करें, उनसे दीनी रहनुमाई लें। लेकिन ये बात याद रखनी है कि शैतान की जमीन पर एक कोशिश है, वो कोशिश ये है कि जब कोई इंसान किसी आलिम के पास जाता है, वो उसके दिल में बसों से और कई एक परेशानियां बाकी करता है कि किसी तरीके से इस आलिम से बजल हो जाए और इससे दूर हो जाए कि उलमा जो है इनके जरिए से ही माशरे की सलाह मुमकिन है, इंसानों की सलाह मुमकिन है। लिहाजा उसकी कोशिश है कि इंसान उलमा से दूर हो जाए। अगर आप किसी आलिम की तकरीम और इज्जत में आगे बढ़ते हैं तो गैर महसूस एक चीज, एक सिलसिला है, एक कुव्वत ऐसी है गैर मरई जो आपको पीछे धकेलेगी कि आप क्या कर रहे हैं, कि आलिम का जूता उठा रहे हैं, इनकी इज्जत कर रहे हैं, इनका एहतराम बजा ला रहे हैं। और फिर शैतान जो है उसकी हरकत देखे और उसके सिलसिले और चाले देखे, उलमा के वालिद किस तरह ये ज़हन सेज़ की साजी करता है। दुनियादार है, उनका अपना सिलसिला है, लेकिन इलम वालों को मुतलिक अजीब सी बातें दिमाग में डालेंगे। देखो ये चलते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, कैसे हैं और पीते कैसे हैं, मनफी तसुरात इंसान के ज़हन में डालेगा। लिहाजा आपने तअव्वुज़ पढ़ना है, उलमाए हक के पास बैठना है, और उलमा आपकी जरूरत है। आप कभी भी उलमा हक से बेनियाज नहीं हो सकते, लेकिन अलविया है कि मस्जिद का नमाजी है फौत हो जाता है, कि आप जी फलां साहब फौत हो गए, ऐलान करेंगे, ऐलान हो गया, वो कौन है, वो बुजुर्ग थे, एक कोने में बैठते थे, ऐसा रुमाल, ऐसे कपड़े बांधते थे, टोपी पहनते थे, 40 साल का मस्जिद के नमाजी है, 50 साल का नमाजी है, मगर आलिम से, खतीब साहब से, आलिम से 60 साल जिंदगी में एक मसला भी नहीं पूछा, एक मसला भी नहीं पूछा। मुसलमानों बताओ, उसकी कोई दीनी जरूरत थी कि नहीं थी? मुसलमान होने के नाते से उलमा के पास जाना था कि नहीं जाना था? मगर शैतान ने उसको उलमा से बेनियाज कर दिया, इनके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, इनके पास आपके लिए कुछ भी नहीं है, लिहाजा आप इनसे परे ही रहे। तो मेरे भाइयों, महमून बिन मेहरान रहमतुल्लाह ताला, महमून बिन मेहरान ताबी है, इमाम अबू उमर इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह ने अपनी किताब जामे बयान लिल्म फजलिह में उनका कौन नकल किया, इन मसल आलिम फिल बलद कमसले आइन अजमत फिल बलद। आप फरमाते हैं कि एक आलिम की मिसाल एक शहर के अंदर मीठे चश्मे की मानद है। एक मीठा चश्मा प्यासे उस पर वारिद होते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं, आलिम जो है उसकी मिसाल भी मीठे चश्मे के की मिसाल है। इल्मी तिश्नगी, प्यास, दीनी प्यास बुझाने के लिए उलमा के पास जाना पड़ेगा, उलमा के पास जाना पड़ेगा।
उलमा हमारी जरूरत है, इन बिन हम जी नहीं सकते और इनके मकाम और मर्तबा को समझे। कभी उलमा की गुस्ताखी नहीं करनी। जिस दिन आपके दिल दिमाग में उलमा की गुस्ताखी का तसव्वुर भी आ गया, आप यकीन जाने कि उस वक्त आप महरूमियों के शिकार होने चले। उलमा की इज्जत करें, उनकी इज्जत में आपकी इज्जत है, आपके दीन की हिफाजत और बका है, वरना सही दीन आपके पास नहीं आएगा। कितने लोग हैं कि हमसे बात करते हैं कि मेरा ये मसला है, अजीब सी वो अपनी बीमारी और अपनी परेशानी का इजहार करते हैं, उनके अंदर अजीब एक इस्तिराब, बेचैनी होती है, बेसुकूनी होती है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने आप को गालियां देते हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके साथ शैतान खेलता है, खलवाड़ करता है, उन पर शैतान का मुकम्मल तसल्लुत है। कितने लोग ऐसे बेचारे। एक साथी थे, अब तो लोड शेडिंग होती, उस वक्त लोड शेडिंग नहीं होती थी, वो सुबह नहाने के लिए जाता था वॉशरूम में, मोटर चलाता, 5 घंटे नहाता था। कितने घंटे? 5 घंटे नहाता था। वो ये ख्याल करता था कि मैं पाक नहीं हो सका, नहाता ही रह जाता। और एक साहब को मैंने देखा 45 मिनट तक उन्होंने वुजू किया, 15 मिनट तो अपने नाक मलता रह गया। शैतान बड़े बड़े खिलवाड़ इंसान से करता है। कितने लोग ऐसे हैं जो खुदकुशी कर लेते हैं, और हमारे जमाने में खाते पीते नौजवान जिनको कोई मसला नहीं है, कहते हैं बिल्कुल खुश बाश रहता था जी, इसको कोई परेशानी नहीं थी, कोई मसला इसके लिए नहीं था। भाई खुदकुशी क्यों कर ली? जान से हाथ क्यों धो बैठा? जान तो अल्लाह ताला की अनमोल नेमत है, उससे महरूम कैसे हो गया? मौत को गले से लगा लिया, जिंदगी को खैर बात कह दिया, अल्लाह की नेमत की नाशुक्री कर दी, उसको कोई मसला नहीं था। भाई उसको मसला तो था। क्या मसला था? वो इलम वालों से अपने आप को बेनियाज समझता था। उलमा के पास बैठने वाला, उलमा से ताल्लुक रखने वाला इंसान कभी भी ऐसी हरकत का इर्तकाब नहीं कर सकता। वो लोग आते हैं परेशान हाल हैं, हमारा कोई हाल निकाले, एक बड़ी उम्मीद लेकर आते हैं, और वो ख्याल करते हैं कि घंटा डेढ़ 2 घंटे ये हमें बाल झाड़ेंगे। मैं तो 10 सेकंड ही बात करता हूं। उलमा की सोबत इख्तियार करे और कुरान करीम की तिलावत किया करे, बस। वो यकीन भी नहीं करता कि मेरी इस परेशानी का ये हल हो सकता है। उलमा के बैठने से, पास बैठने से मुझे क्या हासिल हो जाएगा? उलमा के पास बैठने से आपकी जिंदगी बन जाएगी, दुनिया बन जाएगी, आखिरत बन जाएगी। उलमा, इनका किरदार है, हम ख्याल करते हैं कि ये लोग जो हैं इनका कोई किरदार नहीं माहौल माशरा में। अगर आज हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को अल्लाह मानते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह का सच्चा रसूल मानते हैं, कुरान करीम को अल्लाह का सच्चा कलाम मानते हैं, ये इन उलमा के तोफैल है। इस माहौल माशरे में खैर उलमा की वजह से है, वरना शिर्क और कुफर मिंबरों के बजाय मीनारों पर चढ़ जाता। उलामा मेहनत करते हैं दिन रात, इनकी मेहनतों के नतीजा ये है, इस माहौल माशरे में आसूदगी आई है। अल्हम्दुलिल्लाह तलबाए दीन पैदा हो रहे हैं, बच्चे इलम से बहरामंद हो रहे हैं, नौजवान एक अवेयरनेस पैदा हो रही है, वरना लोग बेचारे तो नहायत सादा है, इनको समझ ही कोई नहीं है कि हम ने क्या करना है। निकाह पढ़वाते हैं, किसी मौलाना को बुलाते हैं कि कारी साहब, हाफिज साहब, आलिम जी, आप हमारा निकाह पढ़ाना है। जी ठीक है जी। कभी अनबन हो जाए, जिंदगी का सिलसिला ना चल पाए और जुदाई तक की नौबत आ जाए, तलाक खुद देते हैं। क्यों?
कि फलां ने ऐसे ऐसे तलाक दी थी, तलाक ऐसे दी जाती है फिर वो ऐसे ही देगा। हालत ये है कि तलाक देने का तरीका भी मालूम नहीं। जब तरीका मालूम नहीं, उलमा से पूछा नहीं, मैं अपनी बीवी को अपने अक्ल से अपने निकाह से खारिज करना चाहता हूं तो कैसे करूं, जब इस बात का इल्म नहीं है तो अपना नुकसान कर देगा ना। कहते मैंने अपने पास 3 तलाके लिख कर रख दी हैं, भले अभी 3 लिखेगा तो फिर कितनी हो जाएंगी, शोर ही नहीं। इसलिए उलमा के पास जाना होता ही नहीं है। कितने लोग हैं बेचारे ऐसे जिनको कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह के हज्जे करने नहीं आते, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, पति क्या कुछ पढ़ते रहते हैं। कितने बेचारे जिनको नमाज भी नहीं आती, वो नमाज सीखना उनके बस का काम नहीं है। कितने बेचारे इनको कुरान करीम भी नहीं पढ़ना आता। ऐसे ही है, ये उलमा से पूरी का नतीजा है। उलमा को अपनी जरूरत बनाए। अबू किलाबा रहमतुल्लाह ताला फरमाया करते थे, मसलन उलमा का मसल नजूम वल आलम यक्तदी बिहन नासु। लोगों उलमा की मिसाल को समझो, ये सितारे हैं, सितारे ये मील स्टोन है, भोली भटकी मखलूक इनसे राह पाती है, लोग इनसे हिदायत पाते हैं। फ़ैज़ तवारदत, जब ये सितारे गुरूब हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं और इंसानों को पता नहीं निशानात किधर है, वो मील स्टोन जो रोड़ों पर निशान लगा होता है, तरद्ददू फिलहरा, फिर इंसान भटक जाते हैं। अगर दुनिया और आखरत में सरफराजी चाहिए तो उलमा के पास बैठे, उलमाए हक। और ये भी याद रखे कि उलमा 2 तरह के होते हैं, लोग ये फर्क कर नहीं कर पाते। एक वो उलमा है जो उलमाए हक है, एक उलमाए सू है, एक उलमाए दुनिया है, एक उलमाए आखरत है। लोग कहते सब मौलाना है, सारे मौलाना नहीं है। जिनके पास वही का इल्म है वही हकीकी मानों में उलमा है, और जिनका कीदा इल्म अपने इल्म के मुताबिक है वो उलमा है। जिनकी कौल और फेल में तजाद नहीं वो उलमा है। उलमा वो है जो नासिर है, इंसानों के खैरखा है, उनकी भलाई चाहते हैं, अपनी जान से भी ज्यादा इंसानों को अजीज समझते हैं। उलमा वो है जो अमीन होते हैं, अल्लाह की तरफ से उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो उस अपनी जिम्मेदारी को बजा दौर पर अदा करते हैं। जो अल्लाह ने उनको इल्म नबुव्वत दी उसमें खयानत नहीं करते, उसमें खयानत नहीं करते, और उनके पास गहरा इल्म होता है। उदु इला सबील रब्बे का बिलहिकमा, बिलहिकमत से मुराद बिल इल्म है। वो इल्म के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते हैं, या कुरान के साथ लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, या तौहीद के इस बात के दलाइल के साथ लोगों को अल्लाह की तौहीद का दरस और वाज करते हैं। ये उलमा होते हैं जो सुन्नत के मुतबे होते हैं, जो अल्लाह की ताजीम में जीते हैं, जिनके दिलों में अल्लाह की खशियत और मोहब्बत होती है कि अल्लाह का खौफ भी है और उसकी ताजीम भी है, अल्लाह का खौफ भी है और उसकी ताजीम भी है, वो उलमा होते हैं। काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद करने वाले होते हैं, कुरान और हदीस जिनका ओढ़ना बिछौना होता है, वो उलमा होते हैं। उलमा वो होते हैं जो सलाफ़े उम्मत के इल्म पर भरोसा करने वाले होते हैं, उनके इल्म को अपनी दलील मानने वाले होते हैं, और सलाफ़े उम्मत के अमल के मुताबिक अपना अमल बनाते हैं, और लोगों को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं और सुन्नतों पर लाते हैं, वो उलमा होते हैं। लालच उनको नहीं ललचाती, न वो हासिद होते हैं, न वो खाइन होते हैं, आफात से बरी होते हैं, बलाओं से पाक होते हैं। जो उनके पास आता है वो फैज पाता है, जो उनके पास आता है वो अपने आप को सवार लेता है, वो बना लेता है, वो खाम सुकुंदन बना देते हैं इंसानों को।
इंसानों की तमीर तरक्की में, माहौल माशरा की तमीर तरक्की में जिनका बुनियादी किरदार होता है वो उलमा होते हैं। इल्म नबूवत से मेरा मन, ये मिसालें दी गई हैं। उनके मर्तबे को समझे के इमाम फुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह ताला का ये फरमान है सुनन तिर्मिज़ी के अंदर सही सनद के साथ, आलिमुन आलिमुन आमिलुन मुअल्लिमुन युदा कबीर फी मलकूत समावा, हो आलिम अपने इलम के मुताबिक अमल करने वाला हो और वो मुअल्लिम भी हो, मुअल्लिम भी हो। जमीन तो जमीन रहेगी, आसमान की बुलंदियों पर उसकी इज्जत के चर्चे होते हैं, मलाला में अल्लाह उनका जिक्र करता है जिनकी मजलिसों पे अल्लाह की रहमत ढांप लेती है, जिनकी मजालिस को अल्लाह के फरिश्ते घेर लेते हैं, जिन पर सकीनत उतरती है। उलमा वो होते हैं जिनके साथ आप एक दफे मिलने मुसाफा कर ले, एक अरसा तक मुद्दत मदीद तक उस मुसाफा का असर आपके दिल से जायल नहीं होगा। ये अल्लाह वाले लोग होते हैं। लोगों का माल इनको नहीं ले चाहता, मैं अपनी मैं तो बहुत नाकिस अनकस हूं, मैंने इस दुनिया को भी कमाया और हासिल किया, करोड़ों रुपए मैंने कमाए, मैं अपनी बात करता हूं, लेकिन दुनिया खा गई वो सारे के सारे, एक दिन भी सुकून नहीं देखा। जिस दिन से दुनिया से बेनियाज हो गए, अल्लाह ने हमारे दिलों को सुकून से भर दिया। अब मैं दावे से कह सकता हूं कि मुझसे बढ़कर सुकून और इत्मीनान वाला इंसान ही कोई नहीं है। मुझ पे मेरे रब कितना फजल है, परवाह ही नहीं चीज की। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमारा एक काम है वो काम हमने करना है, और उस काम में हम कोई सुस्ती कहली नहीं दिखाएंगे। रोटी इज्जत अल्लाह ने दे दी है, हमने तवक्कुल का माना ही नहीं समझा सीखा। इब्न जुरैज रहमतुल्लाह ताला का एक कौल है, बल्कि उनका एक वाक्य है जो सुनन तिर्मिज़ी के अंदर सही सनद से मजकूर है। जिन मेरे भाइयों ने सुनन तिर्मिज़ी पढ़ी है उनके इल्म में जरूर आया होगा। उनके पास एक दीनार था, सोने का एक सिक्का, सवाली आया कुछ दे दे अल्लाह के लिए कुछ दे। अपने साथी कहा इसको दीनार दे दो, उसने देखा थैली में एक ही दीनार है, आप हैं आपके आलो अयाल हैं बीवी बच्चे हैं वो क्या करेंगे, मैं जो कहता हूं उसको दीनार दे दे बातें क्यों करते हैं। एक दीनार था वो भी उसको दे दिया, एक दीनार था वो उसको दे दिया। उसी मजलस में उसी असना में एक शख्स आया, पूछता है इब्नु जुरैज कौन है, वो सामने बैठे हैं आपके फलां दोस्त ने आपके लिए ये हदीया भेजा है, ये तोहफा इरसाल किया है आपकी तरफ। जब वो थैली को खोला गया और उसमें जो सिक्के थे उनको उंडेला गया तो 51 सिक्के निकले, 50 और 1। इमाम साहब फरमाने लगे इसको गिनो कितने हैं, 50 और 1 है, एक तो वो है जो हमने अल्लाह की राह में दिया था, 50 अल्लाह ने हमें जायद दे दिए हैं। ये फकीर मनुष्य लोग होते हैं, ये आपसे कुछ नहीं चाहते। एक बात ये आपके खैर का है, मैं आपको वसूख से कह सकता हूं मुसलमानों इंसानों, मैं तो चरवा था, मैं बकरियां चराने वाला था, मैं तो जिम्मेदार था, हल चलाने वाला था, मेरे अल्लाह ने मुझे अपने दीन का काम दिया, अल्लाह ने हमें इत्मीनान सुकून और हमारी आंखों को ठंडा कर दिया। आप में से कोई है जो खड़ा होकर कहे कि फलां दिन मैंने आपको चंदा दिया था, आपने मुझसे चंदा मांगा था? कराची से लेकर पेशावर तक इसने पूछ ले। अल्लाह ने बेनियाजी दी होती है वो लंबे वालों को ठाठ पाठ के साथ, कभी भी अपनी हालत को जाहिर नहीं करते। हमने लोगों पर हम अपने साजा को देखते थे, उस वक्त मेरे हमारे साजा की तरफ 5 से 6 हजार होती थी, क्लास रूम में आते थे क्या उनके चेहरे पर रौनक होती थी, इत्मीनान सुकून और राहत खुशी।
खुशी उनकी चेहरे पर तमतमा आ रही होती थी। एक दिन भी क्लास के अंदर अपने माली हालात का शिकवा नहीं किया हमारे साथ ने। अल्लाह ने उनको कनाज से नवाजा हुआ था। 6,000 में कहा सौ के इंसान की बसर कर सकता है। बच्चों के अखराजात हैं, बिजली और गैस के बिल हैं, दूध है, सारे ट्रेवलिंग है, मेहमान है, सारे सिलसिले सब उसे पूरे होते थे। एक वाक्य तारीख इब्ने असाकिर के अंदर सही सनद के साथ वाक्य है। 4 मुहद्दिसीन मुहम्मदीयून इमाम मोहम्मद बिन इसहाक इब्ने खुज़ैमा, एक इमाम मोहम्मद बिन जरीर तबरी, 2 इमाम मोहम्मद बिन नसर अल मरवदी, 3 इमाम मोहम्मद बिन हारून अर रुमानी, 4 ये 4 मुहद्दिस थे, उलमा थे या उस वक्त तालिबे इल्म थे दीन के। सुभान अल्लाह, उसूल इल्म के लिए निकले, ज़ादे राह खत्म हो गया, एक मस्से में पड़ाव डाला और एक साथी की ड्यूटी लगाई, आपने हमारे खाने का बंदोबस्त करना है। और खुश हो गए, भूखे प्यासे सो गए, मैं कैसे बंदोबस्त करूं, मैं किससे मांगूं, मुझे कोई जानता पहचानता नहीं। कहते हैं कि वो मुसल्ले पे खड़े हो गए और वो सो गए। 2 रकतें अदा की और अल्लाह ताला से दुआ की और वो सो गए। वक्त के बादशाह को ख्वाब आया कि दीन के 4 तलबिलम फला मस्जिद में ठहरे हुए हैं, उनके खाने का बंदोबस्त करो। उसका वजीर आया कि मुझे बादशाह सलामत ने भेजा है आपके लिए ये देखा। ऐसे अजीम लोग हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, इस इल्म के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। उनमें से एक कुर्बानी मैं आपको बताता हूं, बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ गुलाम थे। आपकी बेटी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा और दामाद अली रजी अल्लाह तआला अन्हो दोनों बैठे प्रोग्राम बनाए, बाबा के पास जाते हैं, गुलाम है, दरखास्त देते हैं कि आप हमें गुलाम इनायत फरमा दें। बुखारी मुस्लिम की रवायत है। फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा और अली रजी अल्लाह तआला अन्हो दोनों गए लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं हुई। ये तो होता है ना, जो बच्ची जब तक घर में होती है ब्याह नहीं जाती, बाप उसके नखरे उठाता है और फोन करती है, बाबा मेरे लिए ये लाना, ये लाना, ये भी लाना, ये भी लाना। बाप खून पसीने की कमाई अपने लखते जिगर के लिए लाता और खुशी और राहत महसूस करता है। ऐसा होता है कि नहीं होता कि मेरी बेटी है, मेरी जन्नत है, उसके लिए लाता है। जब बेटी ब्याह जाती है पर हौसला नहीं पड़ता, भूखी प्यासी तो रह सकती है मगर अपनी इज्जत को बचाती है कि बाप क्या कहेगा मेरे शौहर के बारे में, तो लिहाजा गए और वापस आ गए। फिर से प्रोग्राम बनाया, बाबा आपके पास गुलाम है, मैं चक्की पीसती हूं, मेरे हाथों पर छाले पड़ गए हैं, अली पानी निकालते हैं, इनकी पसलियों में दर्द निकल आया है, आप हमें ये गुलाम इनायत फरमा दें। फरमाया मेरी बेटी ये गुलाम तो मैंने सुफा के तलबा के लिए जो दूर अफ्ताद इलाकों से दीन सीखने के लिए आए हैं, मस्जिद में पड़ाव डाले हुए हैं, ये बेचकर उन पर खर्च करूंगा, आपको इससे बेहतर बता देता हूं, सोने से पहले सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाह अकबर 34 बार पढ़कर सोया करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना कफरू युनफिकूना मालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, ये काफिर हैं अल्लाह के दीन से रोकने के लिए ये पैसा खर्च करते हैं, ये पैसा खर्च करते हैं। अल्लाह ने आपको भी दिया, मुझे भी दिया है, बताओ हम आपने अल्लाह के दीन के लिए क्या खर्च करते हैं। मिन्नतें होती है, समाजतें होती है, मेहरबानी करे जी आपकी गंदम हो गई है, ये सब उशर हमें देना, ओ फला आया था तो ऐसा वैसा उसको हमने दे दिए, बातें करते। क्या इस मदरसा के तलबा की जिम्मेदारी आप पर नहीं है, इन पर खर्च करना आप पर नहीं है, अपनी औलादों पर इनको तरजीह दे, शायद एक दिन भी आप
आपकी जिंदगी भी ऐसा नहीं होगा कि घर में अच्छा खाना तैयार हुआ, आए मस्जिद में तलबिलम को दी बेटा ये खाना खा ले, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। किसी उस्ताद जी को कह दिए उस्ताद जी आप खाना तनावत फरमा ले ना, बिल्कुल शैतान एक काम कर रहा है कि हमें उलमा से दूर रखता है। रईसी कसर मुनकरीन हदीस ने और मुनहदीन ने निकाल दी है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक उलमाए हक के खिलाफ बरसरे पीकार हैं, उलमा के खिलाफ जुबान दराजियां करते हैं, इनको नामों से ये मुल्ला है, मुल्ला मुल्ला मस्जिद का मुल्ला जो प्रोपेगेंडा करते हैं उलमा के खिलाफ, उनको पता है कि हमारी जलालत कभी नहीं पनप सकती जब तक उलमाए हक मौजूद है, इनके होते हुए हमारी गुमराही एक कदम भी नहीं चल सकती। ये उलमा का किरदार, उनको बदनाम करते हैं ताकि ये हमारे रास्ते से हट जाए, रोड़े अटकाना बंद कर दे। ये रोड़े अटकाते हैं हमारे रास्ते में, ये कहते हैं कि मुल्ला खाता है, कौम का माल खाता है, ये मुल्ला कैसे हक वो हो सकता है, ये तो कौम का माल खाता है, मैं मुल्ला हूं, मैं इस कौम का खाता हूं, बताओ मैं हक वो हूं कि नहीं हूं, क्या रुकावट है मेरे लिए, मैं जिस दीन को और जिस बात को हक और सही कहता हूं उसको डंके की चोट कहता हूं। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई, चंदे तो बादशाह भी लेते हैं, आपको याद है जब जलजला आया था मुशर्रफ ने चंदा लिया था कि नहीं लिया था, चंदे तो सभी लेते हैं, हुकूमतें भी लेती हैं, और ये इदारे खैराती इदारे हैं, खैराती इदारे हैं, इनके बारे में मेरी एक अकीदत है, मैं अपने वालदैन का अकलौता, मेरा कोई भाई नहीं है, मैंने ऐशो इशरत वाली पुरतायुश जिंदगी बसर की है, अभी तो शुगर है वरना मेरा इतना जिस्म था। एक दफे थाने मुझे जाना हुआ तो मेरी ये जो कलाई है इतनी बड़ी थी, मुझे हथकड़ी नहीं लगती थी, आप मानेंगे? वो थानेदार कहता आपको कड़ी नहीं लगती, लगा लो, नहीं लगती तो मेरा इसमें क्या मसला है। तो उसने ऐसे ही ना, मैंने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया, जब गुस्सा दिखाया तो उसने भी गुस्सा दिखाया, ऐसे उसने वो जो होती ना हथकड़ी उसको मेरे बाजू पर लपेटा और ताला लगा दिया। मैं कहा आपका दिल ठंडा हो गया? सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपने खास फजल और रहमत से नवाजा हुआ है, खास फजल और रहमत के साथ नवाजा हुआ है, लेकिन ये इतराज करते हैं कि ये कौम का माल खाते हैं, कौम का माल खाते हैं, कौम का माल खाते हैं, तो ये कौम देखो अल्लाह के घर में आज जमा है कि नहीं है, अगर कौम का माल ना खाते ये कौम कहां होती, ये बच्चे हैं यकीन जाने, ये खैराती इदारे हैं, क्या बेचारे आपसे मांगते क्या है, क्या मांगा है, कोई बताए कि तलबिलम ने मुझसे कोई चीज मांगी है, कोई बताए, हाथ खड़ा करे हम उसको सलूट मारेंगे, बड़ी बात आपने कर दी है, ये आपसे कुछ भी नहीं मांगते, ये आपसे कुछ भी नहीं मांगते, नाश्ता भी इनको यहां से मिलता है, दोपहर का खाना भी मिलता है, शाम का खाना भी मिलता है, बीमार पड़ जाए तो छोटी मोटी गोली और दवाई भी इनको यहां से मिल जाती है, बाज गरीब और मुस्तहिक तलबा शायद उनको किराया भी घर जाने के लिए और आने के लिए मिल जाता होगा, बाज को कपड़े भी मिल जाते होंगे। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत इनकी जिंदगी होती है, क्या खूबसूरत जिंदगी, मैं जानता हूं इनकी जिंदगी कैसी जिंदगी होती है। ये तो वालदैन का सब्र है जो अपने बच्चों को मदारिस में छोड़ जाते हैं, अपनी बच्चियों को छोड़ जाते हैं। मैं कहता हूं सलाम है उन वालदैन पर, वो अजमतों के इस्तियारा है, अजमतों का इस्तियारा, जिनकी औलादें अल्लाह के सच्चे दीन के उसूल के लिए मदारिस में दाखिल है, वहां इल्म हासिल करने के लिए जमा हुई है, वो मां वो बाप सलाम का मुस्तहिक है, सलूट का, जिसका बच्चा और बच्ची मदरसे में है उनका सबर देखे, पत्नी मेरी बेटी ने कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा, उसके कुछ मिला होगा कि नहीं मिला होगा, पता नहीं उसकी तबीयत कैसी होगी, घर में तो कई नाज नखरे होते, ये दीन के मराकज, ये मदारिस इंसानों तुम्हारी बका का सामान है, ये कितना कोई आपका खा लेंगे बताओ तो सही, ना कितना खा लेंगे, ये तो आपसे दो रोटियां भी नहीं मांगते, अल्लाह के बंदो इन पर रहम खाया करो, इन मदारों को मुस्तकम और सट्रांग कर दो, इनकी
सारी जरूरतें पूरा किया करो और रब की रिजा के लिए ऐसा किया करो कि अल्लाह मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं खुद तो दीन नहीं सीख सका, जो दीन सीख रहे मैं उनका मुआमिल बन जाता हूं। अल्लाह जो फरमाते हैं वह तआवनु अलल बिर्रि वत्तक्वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उदवान, नेकी और भलाई के कामों में तआवन करो, इससे बढ़कर कोई बेहतरीन बेहतर तआवन नहीं हो सकता कि दीन के तलबा पैदा करे। एक तलबे पर आप कुछ खर्च करते हैं, मदरसे भी कुछ खर्च करते हैं, वो खा लेते हैं, वो तलबे बड़ा आलिम बन जाता है, फिर उसका इलम मुफीद इल्म साबित हो जाता है, माशरे की सलाह फलाह की वो बात करता है, रोज़े क़यामत अल्लाह ताला अजर देंगे, मेरे बंदे आ तूने फलाह मदरसा के अंदर तलबा पर खर्च किया था, उनकी वजह से कितने लोग हिदायत पर आए थे, उनकी वजह से कितने लोगों ने खैर पाई थी, उस खैर में आपका भी हिस्सा रखा गया है, उस अजर सवाब में आपका हिस्सा है। पहली बात तो यह अजर सवाब में सबसे ज्यादा हिस्सा मोहम्मद रसूलुल्लाह का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा मन दा इलल हुदा, जो हिदायत की तरफ लोगों को बुलाता है, अल्लाह की वही की तरफ लोगों को बुलाता है, कुरान और हदीस के लोगों को बुलाता है, कान लहू मिनल अजर, उसके लिए अजर यकीनी है, मिसलो उजूर मन तबाहु मिन गैर अय्यन कुसा मिन उजूरहिम शैयन, कि वो जो रहनुमाई करता है नेकी और भलाई की तरफ, जो उस नेकी और भलाई की उपचार करता है उसको अल्लाह अजर देते हैं, उसके अजर में कोई कमी भी नहीं आती, जिसने रहनुमाई की होती अल्लाह ताला उसको इतने ही अजर अता फरमा देते हैं। तो ये खैर का सिलसिला कहां से शुरू हुआ था? मोहम्मद रसूल से शुरू हुआ था। ये ढेरों अजर मेरे अल्लाह ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया, और अल्लाह उलमाए हक को भी इसे महरूम नहीं रखते, उनको भी अता फरमाते और अता फरमाते रह जाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ किया करें, मेरे अल्लाह मुझे मेरे नफ्स की शरारत से और शैतान की शर से बचा ले, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान मेरे अंदर रौनक पैदा कर दे, कि मैं नाकाम हो जाऊँ, खैर से महरूम हो जाऊँ, मेरे दिल में उलमा के बारे में बग़्ज़ अनाद और दुश्मनी पैदा हो जाए। मेरे भाई यूनुस साहब बताते थे बार बार वो रसूल की हदीस, हदीस तो नहीं है वो, लेकिन असलाफ का कौल है कि आप दीन के तलबेलम बने, दीन के तलबेलम नहीं बन सकते, अगर नहीं बन सकते तो आप मुअल्लिम बने, मुअल्लिम नहीं बन सकते मुतअल्लिम बने, मुतअल्लिम भी नहीं बन सकते, इलम हासिल करने वाले भी नहीं बन सकते, तो इलम हासिल करने वालों की कदर और इज्जत करें, ये आपके बच्चों की तरह हैं, ये आपकी औलादें हैं, ये हकीकी आपके खैरखा हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों को जनाजे की दुआएं भी नहीं आती, ये उलमा हैं, ये गिड़गिड़ा कर रोते हैं मरने वालों पर, हमने खुद देखा, अल्लाहुम्म अग़फिर लहु वरहमहु वाफी वाफ़ानहु, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये आपके मोहसिन हैं, मोहसिन, मगर शैतान ने इनका मकाम मर्तबा आपकी नज़र से गिरा दिया। तो असलाफ कहा करते थे कि अगर आप इनसे मोहब्बत नहीं करते तो वास्ता है, वास्ता है, इनसे बुग़्ज़ भी ना रखिए, इनसे कभी बुग़्ज़ ना रखिए। अगर कोई शख्स उलमा से बुग़्ज़ रखता है, यकीन जान लें कि ये इंसान हक से दूर हो गया है। वाखिरु दावा या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।